हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पीएससी वेली हैं और आपने भी एनएससी का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास रहेगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एनएससी का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, आपको किस तरीके से करना है, स्टेप वाइज बताऊँगा। और जो हमारे DNO है उसका किस तरीके से बायोमेट्रिक करना है। मैं अभी देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये लिफ्ट है, मैं जाकर के ये लिफ्ट ले आया हूँ और बायोमेट्रिक कर चुका हूँ, तो किस तरीके से करना है। और अभी मैंने DRF ऑफिस गया हुआ था, वहाँ पर मुझे जो DRF का था उसका बायोमेट्रिक करना था और बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। जो मेरी ID थी वो मैप हो चुकी थी, इसकी वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम है वो NFP पोर्टल पे काम स्टार्ट हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने कवर किया हुआ था कि आपको किस तरीके से आपकी जो ID वो व्हाइट लिफ्ट कराना है, कहाँ पे जा करके आपको ये ID व्हाइट लिफ्ट कराना है। अगर आप NFP पे काम करना चाहते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पे काम करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है, तो उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं CSC परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको जो सारी जानकारी मिल सके। बीच में आप छोड़ देते हैं वीडियो तो सारी चीज आपको पता नहीं हो पाती। अब हम आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने पहला स्टेप, सबसे पहले किसका बायोमेट्रिक करना है। दोस्तों, आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पे सर्च करेंगे nfpbau.in। ये NFP की वेबसाइट है और सर्च करते ही यहाँ पर NFP की वेबसाइट खुल जाएगी। लॉगिन विद डिजिटल सेवा पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपको अपना CSC ID डालना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। डालने के बाद आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना बायोमेट्रिक रखना होगा। वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, VLE का आधार यहाँ पे लगेगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और सबसे पहले DNO और हेड और उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पे फिंगर लगेगा। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं DNO का करने, तो DRF के केबिन में आज हम लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर आपको उनका ID और आधार नंबर डाल करके सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक फ़ोटो खींचनी है आपका जो भी हेड होगा। और देख सकते हैं, मैंने जैसे ही फ़ोटो खींची तो वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल्स आ चुका है और इनका भी बायोमेट्रिक होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। तो बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेबसाइट हमारी बहुत गंदी चल रही थी तो मैंने वीडियो को बढ़ा दिया है और यहाँ पर हम बायोमेट्रिक रख के जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया, उनका जो आधार है वो सक्सेसफुल हो गया है। स्लिप जो है वो जनरेट नहीं हो रही थी, काफ़ी लंबे टाइम तक हमने उसका इंतजार किया, रिलोड किया, तब जाके हमारी स्लिप जनरेट होकर के आई है। तो आधार में जो फोटो लगी है और जो हमने प्रेजेंट में फ़ोटो खींची है वो फोटो आ चुकी है। और यहाँ पर जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। और देखिए, हमारी जो पूरी तरीके स्लिप जनरेट हो चुकी है दोस्तों।